माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के। माता एक अरज मेरी सुन लीजिए, माता एक अरज मेरी सुन लीजिए, मेरे माथे का। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हड़ताल का तीज है, यानी कि तीजा, तीजड़ी, अलग अलग नामों से जाना जाता है और भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। इस बार शिव पार्वती के मिलन का त्यौहार आज यानी 9 सितंबर गुरुवार को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और बचपन से ही भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने कठोर तप किए, 12 सालों तक निराहार रहकर तप किया और एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई और उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध किया कि उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाए। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई और यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय का वो दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी और निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया, वरदान मांगने को कहा तो माता पार्वती ने उन्हें अपने पति के रूप में मांग लिया। शिवजी वरदान देकर वापस कैलाश पर्वत चले गए। इसके बाद पार्वती जी अपने गोपनीय स्थल से बाहर निकली और पार्वती ने व्रत संपन्न होने के बाद समस्त पूजन सामग्री और शिवलिंग को गंगा नदी में प्रवाहित किया, अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। तभी गिरिराज उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने पार्वती से घर त्यागने का कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई और शिवजी से विवाह करने की शर्त पर ही घर जाने के लिए राजी हुई। उनकी हट मानकर गिरिराज तैयार हो गए और धूमधाम से उनका विवाह शिवजी के साथ संपन्न कराया। मान्यताओं के मुताबिक उनके मित्रों ने उनका हरण किया था और घने जंगल में छोड़ा था। हरत का अर्थ होता है हरण और आलिका का अर्थ होता है सहेली, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। पति पत्नी के प्रेम में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है हरतालिका तीज का व्रत और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। सुहागने हो, कुंवारी लड़कियां हो, निराहार और निराजल व्रत रखती है। सुहागने पूरा दिन पानी भी नहीं पीती और रात में पूरी विधि के साथ पूजन करने के बाद ही इसे खोला जाता है। नवविवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर इस पर्व को मनाती है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। जिन लड़कियों की शादी बार बार टूट जाती है या फिर कोई शादीशुदा स्त्री है उसको पति के प्रेम का सुख नहीं मिल पाता तो उसे हरतालिका तीज का उपवास करना चाहिए या कम से कम जो उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर करना चाहिए। उनको निर्जल व्रत रखना चाहिए और प्रदोष काल में पीले वस्त्र पहनकर भोलेनाथ के मंदिर जाइए। शिवलिंग पर चंदन, मेहंदी और जल अर्पित करें। कुमकुम और मेहंदी माता पार्वती को अर्पित करें और ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का पूरे दिन 108 बार मन ही मन जितना बोल सकें या कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। इस दिन माता पार्वती को मेहंदी चढ़ा करके अपने नेल्स पर, नाखूनों पर सुंदर से नुआ कीजिए और कुमकुम जो उनको चढ़ाएंगे वो अपने पास रखिए और स्नान करके रोज इसका टीका लगाएं। आप देखेंगे आपको अपने पति का सुख मिलने लगेगा। ऐसे भी पति के प्रेम का सुख नहीं मिल रहा है तो इस दिन शाम को 16 श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जा करके आप सिंदूर और लाल चुनरी भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करके भी आप जो
उनको चुनरी चढ़ाएंगे, उसमें 11 रुपये बांध करके अपने पास रख लीजिए और मेहंदी ज़रूर चढ़ाएं थोड़ा सा, उसे अपने नाखूनों में सुंदर से लगा लीजिए। आपकी इच्छा हो तो आप भगवान शिव को पीला वस्त्र और माता पार्वती को लाल वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और दोनों में फिर आपस में गांठ लगा करके अपने पास रख सकते हैं छुपा करके। इससे भी आप पति पत्नी के बीच में तालमेल बेहतर होगा और देखेंगे आप धीरे धीरे पतिदेव आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। कई बार होता है कि पति पत्नी काम के कारण दूर दूर हो जाते हैं, साथ साथ संभव नहीं हो पाता रहना। ऐसे में आज के दिन आपको भगवान शिव को बेलपत्र, अबीर, गुलाल अर्पित करना चाहिए और माँ गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें और उसे रोज लगाएं। धीरे धीरे आपके पति और पत्नी के बीच की दूरियाँ मिट जाएगी। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है तो आज हरियाली तीज की शाम को भगवान शिव के मंदिर जाइए और वहाँ पे शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर जल की धारा अर्पित करें और जीवन साथी की अच्छी सेहत की कामना करें। आप देखेंगे बहुत ही कम समय में उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा। यदि किसी शादीशुदा स्त्री के जीवन में पति का प्यार नहीं है, तलाक की नौबत आ गई है, तो आज के दिन निर्जला व्रत रखकर विधिवत पूजन कीजिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियां जरूर दूर होगी। दोस्तों बहुत सारे उपाय होते हैं और इस बार तो बहुत ही अद्भुत योगों में आया है हरतालिका तीज का व्रत। 14 वर्ष के बाद रवि योग बन रहा है और इस अद्भुत योग में जो भी सुहागन महिलाएं पूजा करेंगी, जो भी कुमारी कन्याएं पूजन करेंगी, उन सभी की मुरादें जरूर पूरी होंगी। रवि योग 14 वर्ष बाद चित्रा नक्षत्र के कारण बन रहा है, जो 9 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से अगले दिन 10 सितंबर 12:57 तक रहेगा। तो जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक कर लीजिए। जो लोग प्रदोष काल में पूजन करना चाहते हैं तो शाम को 6:33 से रात को 8:51 के बीच में कर सकते हैं। तृतीय तिथि का प्रारंभ 9 सितंबर को रात को 2:30 बजे हो रहा है 2:33 पर और तृतीय तिथि की समाप्ति 10 सितंबर को रात को 12:18 तक हो जाएगी। इस दिन कैसे करना है? सुबह सुबह सुहागन महिलाओं को जल्दी उठना चाहिए, कोई भी नदी, तीर्थ स्थल या फिर घर में ही आप स्नान आदि करके फ्रेश हो जाइए। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हल्के सुंदर वस्त्र धारण करें और कदली स्तंभों आदि से घर को सजाया जाता है, जो केले के थंब होते हैं वो लगा करके अपने मुख्य द्वार पर घर में आपको सजाना चाहिए। पूरे 16 श्रृंगार इस दिन आपको करना चाहिए और पानी का सेवन नहीं करते, 16 नहीं भी कर सके, जितना आप कर सके प्रॉपरली। आभूषण आदि थोड़े पहन के सुंदर से सुहागन की तरह तैयार होइए और एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ली जाती है। व्रत की पूजा की तैयारी भी एक दिन पहले करनी चाहिए। पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए जो लोग रेडीमेड मूर्ति से या कोई भी अष्टधातु आदि की मूर्ति से पूजन करना चाहते हैं वो वैसे करें, नहीं तो नियम ये होता है कि गीली जो काली मिट्टी होती है उससे मूर्तियां बनाई जाती है। इसमें बेलपत्र, आंकड़े का फूल, पान का पत्ता, तुलसी, केले का पत्ता, शमी पत्र, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, श्रीफल, सभी प्रकार के फल फूल, बताशे, मेवा, अबीर, कपूर, घी, तेल, चंदन, कुमकुम, दीपक, सारी चीज़ें एक जगह कर लीजिए। 2 सुहाग पिटारा लगता है, पीला रंग का कपड़ा, लकड़ी का पाटा, नारियल, माता की चुनरी आदि, ये सभी चीज़ें रख लीजिए। सुहाग पिटारी के लिए जो जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महोर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल आदि सभी चीज़ें आप रख लीजिए। फिर आपको लाल या हरे रंग के इस दिन वस्त्र पहनकर या तो आप किसी शिवालय में जाके पूजन कर सकते हैं या घर में पूजन कर लीजिए और पूजा के स्थान पर फूलों से सजाकर एक चौकी रखिए, फिर व्रत करने का मन में संकल्प लें। फिर इस पर केले के पत्ते या साफ वस्त्र बिछा करके उस पर आप चाहें तो गीली मिट्टी से जो बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा बना करके आप पूजन कर सकते हैं, तो शिव, पार्वती और गणपति की मूर्तियां आप बना सकते हैं, उनको स्थापित करें या ऐसे भी आप स्थापित कर सकते हैं, जो भी इच्छा है आपकी मिट्टी मूर्ति की। और प्रतिमा को आप फूलों से सजाइए, कुछ देर जो गीली मिट्टी से बनाएंगे जो लोग उस कुछ देर प्रतिमाओं को सूखने के लिए छोड़ें, इसके बाद ही उसको सजाएं, नहीं तो वो टूट सकते हैं। और तब तक आप लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पूजा की तैयारी कर लीजिए। तीनों प्रतिमाओं को पीले कपड़े के ऊपर केले का पत्ता या ऐसे ही डायरेक्ट पीले कपड़े पर स्थापित कीजिए। इसके बाद चौकी पर दाहिनी ओर आपको चावल से अष्टकमल तैयार करना चाहिए और उस पर कलश स्थापित करना चाहिए। आप कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाइए और कलश में जल भरकर सुपारी, सिक्का, हल्दी उसमें डाल दीजिए और फिर शिवलिंग और पार्वती माता का
या शिव जी का और पार्वती माता का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें। पहले गणपति का ओम गण गणपते नमः बोल करके पूजन करें, इसके बाद शिव पार्वती का पूजन करें। आप चाहे तो अभिषेक आदि कर सकते हैं, जल दूध दही शहद घी चीनी ये सब से अभिषेक कीजिए, जनेऊ चढ़ाइए, चंदन रोली बेलपत्र भांग धतूरा जो भी है ये सभी चीज़ों के साथ शिव जी का पूजन करके पार्वती माता का भी पूजन करें और माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। रेशमी वस्त्र उनको पहनाएं, गहने से सजावट करनी चाहिए और भगवान शिव को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। इसके बाद गाय के घी का दिया जलाइए, चंदन की अगरबत्ती जलाइए, सफ़ेद फूल चढ़ाएं। शिवलिंग पर आप चंदन से त्रिपुंड बना सकते हैं, ऋतु फल जो भी हैं केला आम आदि वो चढ़ा सकते हैं। चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं, ताल मखाने आदि की खीर का भोग लगाइए। पान सुपारी नारियल दक्षिणा आदि अर्पित करें। पार्वती माता को मेहंदी ज़रूर लगाएं, उनके हाथों में मेहंदी लगाएं और फिर वो मेहंदी को आपको निकाल करके उनके नाखूनों से अपने नाखूनों में भी लगाना चाहिए। सिंदूर हो कुमकुम हो खीरा ककड़ी आज के दिन विशेष रूप से अर्पित करते हैं और जब मेहंदी चढ़ाते हैं उस समय आपको जीवन साथी या लवर जो भी हैं जिनको आप पाना चाहते हैं या जो हैं आपके पति उनका ध्यान आपको रखना चाहिए और उसी मेहंदी से शिवालय में अपने पति या लवर का नाम आपको अपने हथेली पर लिखना चाहिए और ओम शिव प्रियाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम शिव प्रियाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती पर भोग लगाइए, सदाबहार के फूल आप चढ़ा सकते हैं, चंदन का लेप कर सकते हैं, आंकड़े का फूल धतूरा कनेर के फूल भांग ये आपको चढ़ाने चाहिए और फिर पति पत्नी अगर चाहें तो एक साथ शिव पार्वती पर कमल का फूल चढ़ा सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेर का फूल चढ़ा करके अपने टेक्स्ट बुक्स में रख सकते हैं। इसके बाद पूजा के बाद तीज की कथा सुननी चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन रात में सोते नहीं हैं तो पूरी रात आपको लोग गीत पर नाचे गाएं, उत्तम भजनों से रथ जगा किया जाता है, झूला भी झूला जाता है। रात को सोते नहीं हैं बल्कि पूरी रात प्रभु का भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है और रात में ये व्रत खोला भी नहीं जाता है। अगले दिन सुबह स्नान करके उसी प्रतिमा को नदी में प्रवाहित किया जाता है पूजन करके, इसके बाद व्रत खोला जाता है और तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। और ध्यान रखें रात्रि के समय भी शिव पार्वती का बिलपत्र और आम के पत्तों से अभिषेक किया जाता है और शिव स्तोत्र और आरती करके पाठ आदि करके पूजा की जाती है। अंतिम पूजा के बाद माता गुजरी पर सिंदूर चढ़ा करके सभी सुहागन महिलाएं मांग में लगाती है, मेहंदी अपने नाखूनों में लगाती है और हलवे का भोग लगाया जाता है। जो भी महिलाएं बीमार हैं वृद्ध हैं वो फलिहारी व्रत कर सकते हैं, ऐसे तो निर्जला व्रत होता है और एक बार अगर आपने इस व्रत को शुरू कर लिया तो इसके बाद ये छोड़ा नहीं जाता। अगर कोई महिला की तबीयत खराब हो जाती है तो ये व्रत नहीं रख पा रही है तो एक बार आपको उद्यापन कर देना चाहिए, इसके बाद फलाहार करके आप ये व्रत रख सकते हैं। जो भी चीज़ें आप चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ये आप किसी ब्राह्मण को बाद में दान कर सकते हैं। जो सुहाग पिटारी है वो अपनी सासू माँ को या जेठानी जी को ननद को इनको आप पांव छू करके दे सकते हैं और कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। सबसे पहली चीज़ पति के लिए आप व्रत रख रही हैं तो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद ईमानदारी और प्रेम पर टिकी होती है। आप तीज का व्रत रख रहे हैं तो किसी भी कीमत पर पति के साथ छल कपट ना करें, ना तो झूठ बोलें ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करें और पूजा के दौरान कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है तो कथा ज़रूर सुनें और कथा सुनते वक्त भी अपने पति के चेहरे का ध्यान आपको अपने मन में लगाना चाहिए। बहुत कम लोग ये जानकारी रखते हैं कि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला अगर एक बार इस व्रत को रखना शुरू कर देती है तो जीवन भर रखना होता है। बीमार होने पर आपके पति इस व्रत को रख सकते हैं या किसी पंडित जी से आप रखवा सकते हैं संकल्प करा के या फिर जैसे मैंने बताया उद्यापन करके छोड़ सकते हैं आप इसे और किसी भी हालत में वैसे छोड़ा नहीं जाता है। पूजा के दौरान महिलाओं को काले नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, लाल हो मरून हो गुलाबी हो पीले हो हरे रंग हो इन वस्त्रों को पहन करके पूजा कीजिए और जब पूजा करेंगे तो पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस बार घर की महिलाओं को चाहिए कि कभी भी त्यौहार किसी भी त्यौहार पर ऐसे भी क्रोध नहीं करना चाहिए और हरतालिका तीज के दिन तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मन शांत रख करके महिलाओं को इस दिन अपने हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। इस रात्रि को सोया नहीं जाता, रात्रि जागरण करना चाहिए। कहते हैं कि इस रात्रि में जो महिलाएँ सोती है वो अगले जन्म में मगरमच्छ की योनि को प्राप्त होती है।
जो भी महिला जिस तरह का भोजन या पदार्थ इस दिन ग्रहण करती है उस अन्न की प्रकृति के अनुसार ही उसका अगला जन्म उस योनि में होता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन व्रत में कुछ खाया नहीं जाता है। दूध तो गलती से भी सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो भी महिलाएं इस दिन दूध का सेवन करती है वो अगले जन्म में सर्प की योनि में जाती है। दोस्तों चूंकि ये व्रत पति की दीर्घ आयु यानी कि लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, इस दिन पति को झाड़े नहीं, गुस्सा ना करें और स्त्रियों को माता पार्वती के समान इस व्रत को करने से सुख की प्राप्ति होती है और माता पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलता है। इस दिन जो भी स्त्री व्रत इस व्रत को परम श्रद्धा के साथ करती है उनका सुहाग अमर होता है। जो भी महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान से इस व्रत को करती हैं उनके पति दीर्घ आयु होते हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लव मैरिज में सक्सेस मिलती है, जीवन साथी को लंबी आयु प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन के विवाद खत्म होते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्रत है, श्रद्धा भक्ति के साथ अगर हो सके तो ज़रूर कीजिए। एक दिन त्याग कीजिए अपने पति के लिए, रिलेशंस को और अच्छा बनाने के लिए, और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके दाम्पत्य जीवन में और प्यार बढ़ता है और पति के साथ अगर तलाक तक की नौबत आ गई है तो वो भी खत्म हो जाती है। लड़ाई झगड़े जो होते हैं, देखिए थोड़ी बहुत तूतू मैं लगी रहती है, इसमें इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए बातों को। लेकिन अगर सीरियस है, तलाक तक की नौबत आ गई है, तो एक बार इस व्रत को करके देखिए। मेहंदी का उपाय जरूर करें दोस्तों, मेहंदी चढ़ा करके अपने नाखूनों में नुआ जिसे कहते हैं वो जरूर कीजिए और फिर देखिए कैसे आप दोनों के रिश्ते सुधरते हैं और जो कुंवारी लड़कियां उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे जो लोग भी बहनें हैं आपकी, जो सहेलियां हैं सखियां हैं वो व्रत कर रही हैं, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्योंकि एक तो मैंने कथा सुनाई है स्टार्टिंग में, आप कुछ करें ना करें इस व्रत की कथा खुद भी सुनें और आप अपने भी परिवार वालों को फ्रेंड सर्कल को ज़रूर सुनाएं। आज के लिए इतना ही, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी का सुहाग भाग सदा बना रहे यही मेरी आज के लिए प्रार्थना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।